क्लोरीन में कितना है? 9 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो आप मुझे बताओ, एक बेसिक बात आप मुझे बताओ, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे या 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे अट्रैक्शन का? आप मुझे बताओ, 7 प्रोटॉन 10 को ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, या 9 10 को कर पाएगा? बिल्कुल सही का क्या होगा? 9 10 को ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा। समझ आ रही बात? 9 10 को ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा, ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा। कंपैरिजन टू 7 10, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे कितने 9 प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम ही है बट कंट्रोल करने वाले। न्यूक्लियस क्या करता है? अट्रैक्ट ही तो करता है, तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या? कंट्रोल करना एक तरीके से, ठीक है। वो जितना कंट्रोल, यानी कि जितना अट्रैक्शन लगा पाएगा उतनी साइज क्यों नहीं जाएगी छोटी, तो सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल कर पाएगा? इसी केस में फ्लोराइड। क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा, वो ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा, ज्यादा फोर्स लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, यहाँ पे कम लगेगा। तो आप मुझे बताओ, जहां ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा वहां की साइज भी क्या होगी? साइज क्या होगी वहां की? बिल्कुल सही, क्या होगी? छोटी होगी। तो समझो भाई, तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा? एफ माइनस। सबसे छोटी साइज किसकी होगी? एफ माइनस की। देन ओ माइनस टू, क्योंकि इसकी तो सबसे बड़ी होने वाली। रीजन क्या है? सबसे कम फोर्स, सबसे कम कंट्रोल कर पाएगा उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को, ये यानी कि सबसे कम अट्रैक्शन कहाँ लगेगा? इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स को कितने कंट्रोल कर रहे हैं? 7 प्रोटॉन्स कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसकी साइज तो क्या होगी? वो कर इलेक्ट्रॉन्स उतने कंट्रोल से बाहर होंगे तो उतना वो फ्री आजादी चाहेंगे, और आजादी में हम क्या होते हैं? हम चाहते हैं खुद सब बड़ा बड़ा हो, यानी कि इन शॉर्ट समझाने के लिए क्या, साइज इंक्रीज हो जाएगी। बताओ समझ आया या नहीं समझ आया? तो कितना होगा इसमें? एन थ्री माइनस की साइज सबसे छोटी होगी। और आप क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ऑक्साइड भी तो बचा, ओ माइनस टू भी तो बचा, तो इसकी साइज क्या होगी? सबसे छोटी होगी ना इसकी, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी? जहाँ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वहाँ साइज सबसे छोटी, और जहाँ पे सबसे कम अट्रैक्शन वहाँ पे साइज क्या होगी? सबसे बड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतने फ्री होंगे ना, तो साइज सबसे बड़ी होगी। तो आप देखो क्या हो जाएगा, साइज हो गया। मतलब किसी को कोई डाउट है? सबसे बड़ी साइज एन थ्री माइनस की, सबसे छोटी साइज एफ माइनस की। क्यों? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को 7 प्रोटॉन्स। तो सबसे कम कंट्रोल ये कर पाएंगे तो आजादी चाहेंगे, तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? n माइनस 3 की। और सबसे छोटी साइज किसकी होगी? f माइनस की। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि मोर नेगेटिव माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, मोर नेगेटिव मोर साइज। तो देखो यहाँ पर ये हमको याद रखना पड़ेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मोर नेगेटिव मोर साइज, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, और अब हम बात करेंगे जब कैटायंस में सारे के सारे कैटायंस हो और उस वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो उनमें क्या होगा भाई? प्लस, आप सभी जानते हैं एनए कितना होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अभी डिस्कस किया। एनए प्लस में क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। Mg2+, अब देखो Mg पे कितना होता है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। 2+ का मतलब क्या? 2 और इलेक्ट्रॉन कम हो गए। समझ गए सभी लोग? बहुत बढ़िया। तो कितना होगा इसमें? 12 प्रोटॉन तो रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन कितना? 10। Al+3 में आप मुझे बताएं, आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13। तो 13 प्रोटॉन्स होंगे तो 13 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। बट Al+3 में क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो अभी बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया ये नहीं समझ आया? अच्छा, जैसे अभी यहाँ पे समझा कंट्रोल करने वाली बात, अट्रैक्ट करने वाली बात, उसको सीधा ये भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन सब में क्या है? सेम है। बट अभी क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे। तो आप मुझे बताओ, जितने प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे कंट्रोल करने वाले ने, अट्रैक्ट करने वाले, उतने इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उतने इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो उतने इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे? उतना ज्यादा कंट्रोल करेंगे, उतनी ज्यादा साइज क्या करेंगे? अपनी ओर उनको इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस की पार क्या होती है? प्रोटॉन्स ही तो होते हैं ना। न्यूक्लियस की पार क्या? चार्ज के फॉर्म में प्रोटॉन्स ही तो होते हैं ना। तो जितनी प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे क्या होगा? न्यूक्लियस उतना पावरफुल होगा, और जितना पावरफुल होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतना ही फोर्स लगाएगा,
और उतना ही फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उतने ही उसके पास होंगे, और जितना पास होंगे साइज एटम की क्या हो जाएगी, छोटी। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, 13 प्रोटॉन 10 को खींच रहे, और सबसे कम 11 10 को खींच रहे, समझ रहे ना। तो जहां जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे साइज क्या होती जाएगी, उतनी छोटी होती जाएगी। तो आप देखो भाई Al3 प्लस क्या होगा, सबसे छोटा, साइज क्या होगी सबसे छोटी, देन सबसे बड़ा क्या होगा Na+, और इंटरमीडिएट क्या होगा Mg2+। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है। तो अब वहां पे हमने बताया था मोर नेगेटिव मोर साइज, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया, क्या होगा मोर पॉजिटिव लेस साइज, मोर पॉजिटिव लेस साइज। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, समझ रहा है। तो ये हमारा साइज का पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इसको कई सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं, और साइज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी बात को समझने के लिए। आपको अभी आप आगे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी और भी बहुत सारा कुछ, ठीक है ना। तो वो साइज के बेसिस पे हम पढ़ेंगे, जब इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे एस ब्लॉक और टी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखने को मिलेगा लैटिस एन्थैल्पी, मतलब बहुत सारी बातें, इफेक्टिव बॉन्डिंग, हम सारा साइज के बेसिस पे समझते हैं, इफेक्टिव बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, यानी कि साइज क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आज आपने सीख लिया हर एक फॉर्म। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं लेक्चर्स में।